वो जो कलश आप लोगों को दिख रहा है, इस कलश के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अस्थियां रखी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अभी मैं पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। पीछे मेरे यहां पे रेलवे स्टेशन है जिस पे लिखा हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर नगर। तो अभी हम जाने वाले थे यहाँ से महेश्वर। हमने कहा अम्बेडकर नगर से जो महेश्वर है वो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है और इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। हमने कहा अम्बेडकर नगर पे उतरेंगे, फिर वहाँ से हम लोग महेश्वर चले जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे उतरे, हमने बाहर निकल के देखा स्टेशन से, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था डॉक्टर अम्बेडकर जी की जन्म स्थली। तो हमने कहा यार ये तो एक अच्छा कंटेंट है, ये तो हमको भी नहीं पता था। वैसे जो किताबों में लिखा गया है वो ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो जन्म है वो महू में हुआ है। तो बाद में हमको पता लगा कि ये जो स्थान ये महू है, लेकिन अभी इसको डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जानते हैं जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। बहुत ही भव्य वहाँ पे स्मारक बना हुआ है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी हमने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानकारी ली थी, देश की इतनी बड़ी हस्ती ने यहाँ पे जन्म लिया था, जो संविधान के रचयिता हैं, जिनको संविधान का जनक कहा जाता है। तो चलते हैं, आज आप लोगों को उनकी जन्म स्थली दिखाते हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जन्म स्थली पहुँच मार्ग, जो इस साइड और एरो लगा हुआ है, इस साइड हमें जाना है। ये भैया ऑटो वाले हैं, इनसे हमने बात कर ली है, इन्हीं के ऑटो से जाने वाले हैं। भैया ये यहाँ पे क्या बनना है? ये रेलवे स्टेशन बन रहा है, ये नया रेलवे स्टेशन बनना है। यहाँ पे जो स्मारक है वो भी सेम ऐसे ही आर्किटेक्चर में ना, सेम ऐसे सेम इसी की क्वालिटी है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर, चलिए तब चलते हैं। दोस्तों अभी मैं उस स्थान पे पहुंच गया हूं जहां पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनका जन्म हुआ था। सामने वहां पे लिखा हुआ है भीम जन्मभूमि और नीचे अंबेडकर जी की स्टेचू बनी हुई है। 14 अप्रैल 1891 को यहीं पे उनका जन्म हुआ था। पहले यहां पे एक छोटा सा घर बना हुआ था, 14 अप्रैल 1991 में मतलब उसको तोड़ के यहां पे ये स्मारक बनाया गया था। काफ़ी भव्य स्मारक है, अभी इसके अंदर चलेंगे, अंदर से आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम लोगों ने एंट्री ले ली है, अंदर हम लोग आ गए हैं। सामने यहाँ पे लिखा हुआ है भीम जन्मभूमि, इसका एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई एंट्री टिकट नहीं है। आपकी जो भी श्रद्धा होती है आप वो दान वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, वो ट्रस्ट के लिए जाता है। तो यहाँ पे बना हुआ है ये स्मारक, जरा इधर दिखाओ, ये स्मारक है। ऊपर चलेंगे अभी, काफ़ी भव्य स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। उधर वहाँ पर सीढ़ियाँ, पहले उधर से ऊपर चलते हैं, ऊपर से दिखा देते हैं आप लोगों को, फिर इसके अंदर भी चलेंगे। आ जाओ, यहाँ पे एक छोटी सी प्रतिमा बनी हुई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, और यहाँ पे काफी विशाल प्रतिमा है। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं स्मारक के और अंदर से आप लोगों को स्मारक दिखाते हैं। यहाँ पे ये अशोक स्तंभ बना हुआ है। और ये वाला जो एरिया है ना, ये कैंट एरिया है, यानी छावनी एरिया है, पूरा आर्मी एरिया है। बहुत ही शांति है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक महू जिला इंदौर, यानी अभी हम महू में हैं। ये जो स्मारक है ये महू में है, इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो इंदौर लगता है। मुंबई में समता सैनिक दल के साथ बाबा साहेब, यह है 1932 पूना पेट पर गांधी जी से चर्चा। ये यहाँ पे गांधी जी हैं और ये हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है, और इधर उनकी पहली पत्नी रामाबाई जी हैं। ये वाला यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। यहाँ पे एक स्मारक ये बना हुआ है जिसमें ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं और ये हैं महात्मा बुद्ध। यहाँ पे जो अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी यहाँ आके और अम्बेडकर जी को नमन किया था। यहाँ की उनकी फोटो है जो मैं लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी खड़े हुए थे। और यहाँ पे शायद एक ये फोटो है जिसमें शायद संविधान को भेंट कर रहे हैं।
यहाँ पे उनका पूरा परिवार है। ये महू के जो कार्यकर्ता थे ना, उन्हीं के साथ में 1942 में ये फोटो लिया गया था। सारे लोगों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, शायद दिख रहा है वहाँ कैमरे में, अगर नहीं दिख रहा थोड़ा नज़दीक से आके दिखा सकते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग इस फोटो में दिख रहे हैं सभी के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों अभी हम ऊपर घूम के आ चुके हैं, यानी ऊपर हम लोग घूम चुके हैं और अभी हम जाने वाले हैं इसके अंदर, जहाँ पे जो अम्बेडकर जी हैं उनकी अस्थि रखी हुई है, अस्थि कलश रखा हुआ है। चलते हैं, आज आप लोग अंदर दिखाते हैं। ये है अस्थि कलश, इसके नज़दीक अभी बाद में चलेंगे, पहले यहाँ और फोटोग्राफ्स वगैरह उनको दिखा देते हैं। ये है माता भीमाबाई और पिता राम अम्बेडकर के 14वें पुत्र, यानी ये जो अम्बेडकर जी थे ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनको यहाँ पे ये लोग, ये उनके पिताजी हैं, ये उनकी माता जी हैं, ये झूला झूला रहे हैं पालने में। तो इस जगह पे जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, बताते ऐसे हैं कि यहाँ पे पहले तो इमली के पेड़ थे, इस प्रकार का इनका घर बना हुआ था पहले यहाँ पे जो बना था। तो यहाँ पे तो इमली के पेड़ थे, जिसमें से देखो एक पे ये झूला झूला रहे हैं, एक ये, तो एक इमली को पेड़ को मतलब काटने के बाद यहाँ पे ये स्मारक बना हुआ है। तो यहाँ पे जो अस्थि कलश रखा हुआ है उधर, वहाँ पे एक इमली का पेड़ था जिसको काटने के बाद यहाँ पे ये स्मारक बनाया गया है। जैसे हमें यहाँ पे जो जानकारी मिली है वही आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे एक बना हुआ है और ये है अम्बेडकर जी की ओरिजिनल फोटो, इसको जरा नजदीक से दिखाओ। ये है अम्बेडकर जी की ओरिजिनल फोटो। यहाँ पे एक ये बना हुआ है उनका स्टेचू। यहाँ पे और सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। ये देखो जो ऊपर वहां पे लगा हुआ था ना, जिसको हम लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, ये है स्वतंत्र भारत का संविधान। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद और राजगोपालचारी के समक्ष सौंपा और डेट थी 25 नवंबर 1949। मतलब संविधान को दे रहे हैं। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 5 दिसंबर की रात जीवन के अंतिम समय में अपनी वसीयत के रूप में दी बुद्धा एंड हिज धम्मा की अंतिम पंक्तियां लिखते हुए नानक चंद रक्त और डॉक्टर सविता आजू बाजू खड़े हैं। ये नानक चंद रक्त और डॉक्टर सविता, और ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। यहाँ चारों तरफ बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं इसी प्रकार के। और ये है वो अस्थि कलश जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अस्थियां रखी हुई हैं। वहां पे जो कलश रखा हुआ है ना, वो आप लोग दिख रहा है, वो जो कलश है चांदी का, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अस्थियां रखी हुई हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है अस्थि कलश, और वो जो कलश आप लोगों को दिख रहा है, इस कलश के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अस्थियां रखी हुई हैं, और ये जो कलश है ये चांदी का कलश है। दोस्तों अभी हम लोग ये जो स्मारक है इसमें घूम के आ गए हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है अत्यावश्यक सूचना, जिसमें लिखा हुआ है परिसर में किसी भी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों के नारे, झंडे, बैनर एवं अन्य प्रकार की सामग्री न लगाएं। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। यहाँ पे अगर आप आए हैं तो मतलब ये राजनीतिक चीजों को तो बाहर ही छोड़ दीजिए। अंदर जब हम गए, एक एंट्री रजिस्टर है जहाँ पे एंट्री करनी होती है। मैंने अपना नाम लिखा अविन यादव, तो जैसे ही नाम लिखा
एक जो इसके मतलब बता रहे थे मेरे को, कोई संगठन के अध्यक्ष वगैरह थे, उनको पता लगा मतलब कि मैं यादव हूँ। तो ऐसे कुछ यहाँ पे मेरे एक टैटू बना हुआ है, तो पहले तो वो टैटू के बारे में पूछने लगे शंकर जी का, कि इसका क्या इतिहास है, ये टैटू का क्या इतिहास है। तो मैंने बहस करना मतलब सही नहीं समझा। फिर वो यादवों की कुछ मतलब कह रहे थे आपका इतिहास बताएंगे, मैंने कहा मेरा इतिहास तो मुझको जानना ही नहीं है, वो तो मैं पहले से ही जानता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर वो राजनीति पे आ गए, यूपी की राजनीति की बात करने लगे कि आपने मतलब ये कर दिया, मायावती को हरवा दिया, ये चीजें मतलब आ गई। मैंने कहा एक बात बताइए, सामने जब मैं गया था तब मैंने ये बोर्ड देखा था, फिर उनको मैंने बताया कि बाहर एक बोर्ड आप लोगों ने लगाया हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप राजनीतिक बात नहीं करेंगे, और आप अंदर आके राजनीतिक बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ यार? वो तो हमने गलती कर दी, थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं कर पाए वरना आप लोगों को सुनाते। ये चीज़ यार अच्छी नहीं लगी हमें यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो राजनीतिक चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। चलिए जैसा भी है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।